मथुरा के बारे में क्या नहीं है कहना। मैं कुछ समय बाद आ रही हूँ यहाँ पर और इतना डेवलपमेंट हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल बीते कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही। शादी के 12 साल बाद ईशा पति भरत से अलग हो गई हैं। वहीं तलाक की खबरों के बीच ईशा देओल एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उनका चेहरा काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में ईशा बहन आहना देओल के साथ मथुरा पहुंची। इस दौरान ईशा देओल को मथुरा में पर्यटन के बारे में बात करते देखा गया। इस बीच यूजर्स ने उनके होठों को नोटिस किया और दावा किया कि ईशा ने लिप फिलर करवाए हैं। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट की बौछार होने लगी। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, ईशा देओल के होंठों को क्या हुआ? अन्य ने कहा, कितना बोटोक्स लगाया है? एक ने कमेंट कर लिखा, कॉस्मेटिक सर्जरी गलत हो गई। दूसरे यूजर ने कमेंट किया, लगता है इन्हें मधुमक्खी ने काट लिया। अन्य यूजर ने कहा, इनके होंठ क्यों सूजे हुए हैं? तो एक ने कमेंट कर कहा, मैडम ने लिप जॉब करवाई है। गौरतलब है कि ईशा देओल पति भरत तख्तानी से अलग हो गई हैं। उनके अलग होने की खबरों ने हर किसी को हैरान किया था। भरत और ईशा दो बेटियों के पेरेंट्स हैं, लेकिन अब इनके रास्ते अलग हो गए हैं, तो शायद इसका असर उनके बच्चों पर भी पड़े। हालांकि दोनों का कहना है कि ये अपने बच्चों का हर तरह से ख्याल रखेंगे और इन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। कहा जा रहा है कि भरत और ईशा के तलाक की वजह भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जब ईशा को इस बारे में पता चला, तभी से उन्होंने ये तय कर लिया कि उन्हें भरत से किसी भी कीमत पर तलाक लेना है। ये बातें भी सामने आ रही कि ईशा ने अपनी एक्टिंग करियर भी भरत की वजह से छोड़ा था। शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली थी। मथुरा के बारे में क्या नहीं है कहना। मैं कुछ समय बाद आ रही हूँ यहाँ पर और इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और खास बात यह है कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं, वो सब आप लोगों ने इतने अच्छे से संभाल के रखा है। द हेरिटेज जो यहाँ का जो टूरिज्म है, वहाँ से उसे देखने के लिए आ रहे हैं, वो भी आप लोगों ने इतना अच्छा मेंटेन किया है। प्लस जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ, और इतने सारे सपोर्टर्स है जो मथुरा के जो वासियाँ हैं यहाँ पर, वही चाहते हैं कि मेरी माँ यहीं पर रहे, यहाँ पर यहाँ से ही चुनाव लड़े और जीते। इस बार भी उन्होंने 10 साल दिया है, अभी उनको और बहुत कुछ करना है और इनके सपोर्ट के साथ साथ मम्मी कर पाते हैं। जी, हम लोग मोस्टली यूथ ऑफ मथुरा से मिल रहे हैं और यहाँ पर कॉलेज में आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, श्री गिरिराज महाराज कॉलेज मथुरा पर हम आए हैं आज और सारे स्टूडेंट्स से मिलेंगे। और सो वी आई थिंक मोस्टली मीटिंग द यूथ ऑफ मथुरा। यूथ को वोट करने के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं सब यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर हैं, आहना, मैं और वैभव। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।